तो दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेंगे। दोस्तों यदि आपके टिकटॉक पे लाइक एंड व्यूज नहीं आता है, हम पाली डुब्बे के साथ किस प्रकार वीडियो बना सकते हैं और टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल पे होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। इसके बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। आपने जो डिस्क्रिप्शन से ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को डाउनलोड किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रोमा की को इनेबल कर देना है, इसके बाद डन करना है। तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस इमेज पे ऐसे हमें फुल साइज कर देना है। फिर सबसे पहले मैं ऑफ करता हूँ। इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ से जूम कर देना है। इसके बाद इस इमेज को आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को इस तरह से जूम कर देना है। इसके बाद इसी तरह से इसे आपको इसे नीचे आपको कर देना है। इसके बाद इस बैकग्राउंड को फुल साइज कर देना है। आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऐड है। सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और वीडियो अब हमारा यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।